हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो आप लेकर जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और अच्छा खासा जो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आज हम देखेंगे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में कि हमें जो है इस शेयर को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आज हम जो है पूरा जो है इसी के बारे में देखते हैं। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, जिसका आज करंट प्राइस चल रहा है वो 13.75 रुपये चल रहा है लाइव। अगर हम इसका टुडे का हाई देखें तो आज जो हाई गया था वो 14.90 रुपये तक गया था और जो लो गया था वो 13.65 रुपये तक गया। तो अगर हम इसकी मार्केट कैपिटल देखें तो मार्केट कैपिटल इसकी 2080 करोड़ और इसकी एंटरप्राइज वैल्यू 5281.96 करोड़। यानी कि इस कंपनी के पास जो डेप्ट कितना है, इस कंपनी के पास डेप्ट है 3370 करोड़। यानी कि ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो इसके पास डेप्ट होना तो एक आम बात है। और ये कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, तो उसके बारे में हम जो है बात करेंगे कि इसमें जो हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके पीछे रीज़न क्या है। भले ही इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डाउन हो, फंडामेंटल थोड़ा सा डाउन हो, लेकिन फिर भी इसका जो बिज़नेस है वो इतना काफ़ी अच्छा है कि आप जो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही हम बात करेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो क्योंकि हम जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर उसका बिज़नेस ही इतना अच्छा है, भले ही प्रेजेंट में उसका जो है प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, डिमांड है, बूस्टअप होगा उसके बिज़नेस का, क्यों नहीं हम इन्वेस्ट करें। क्योंकि हम जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर में नहीं, उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो देखते हैं नंबर ऑफ शेयर 151 करोड़। पीवी रेशियो इसका काफ़ी सही है 2.98, फेस वैल्यू इसकी 1 है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है और कंपनी का पास जो कैश है वो 168.68 करोड़ है। कंपनी की प्रोमोटर्स होल्डिंग 34.71% है, सही है। कंपनी का हम ROE देखें तो वो नेगेटिव है, लेकिन कंपनी की ROCE काफ़ी अच्छी है 15.33% और कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 91.24% है। तो इसके बाद हम जो है यहाँ पे इसकी जो देख लेते हैं, कंपनी की जो नेट सेल्स हुई थी वो आप देख सकते हैं, September 20 में जो नेट सेल हुई थी वो 454 करोड़ रुपए की हुई थी, लेकिन दिसंबर में उसने अपनी नेट सेल्स को इनक्रीज़ करा 814 करोड़। और अगर हम जो है इसका देखें P&L अकाउंट, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में था March 2019 में, लेकिन March 2020 में इसने अपना जो प्रॉफिट जो लॉस था वो थोड़ा कम कर दिया है। यानी कंपनी जो है धीरे धीरे अपने आप परफॉर्मेंस जो अपनी अच्छी अच्छी खासी करती जा रही है, परफॉर्म अच्छी खासी करती जा रही है। तो हम जो है सबसे मेन फैक्टर डिपेंड करता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बिज़नेस मॉडल जानने का, क्योंकि आखिरकार वो बिज़नेस मॉडल क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वेबसाइट पे आ गए हम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60% ऑफ इंडियाज इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी इस कंपनी के पास है। यानी जितना न्यूक्लियर पावर जो कैपेसिटी इंस्टॉल होती है उसमें से 60% हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी करती है। 364 किलोमीटर टनलिंग इस कंपनी के पास, 27% हाइड्रो पावर कैपेसिटी जो इंस्टॉल होती है इंडिया में वो 27% हमारी जो है इसके पास है। ये जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब हम इसके देखते हैं कि ये क्या क्या इसके बिजनेस एरियाज हैं। तो जैसे कि बैक करके हम देखते हैं क्या क्या इसके बिजनेस एरिया हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस एरिया सबसे पहले तो पावर प्लांट, यानी कि ये जो है हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर बनाती है। ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे, रोड्स, ब्रिज, ये जो है काफ़ी ज़्यादा इस बार जो है बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है बजट निकाला गया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवेज के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोर्ट्स, हाँ, तो इन सारी चीज़ें क्या है, ये डेवलपमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा होगा, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, तो सीधी सी बात है कंपनी ग्रो करेगी जब उसका बिज़नेस अच्छी खासा चलेगा। वाटर सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन, इरीगेशन फैसिलिटी, यानी कि ये सारी इसके अगर हम देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस प्लांट्स, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन, स्मार्ट सिटीज़, टाउनशिप। तो जैसे कि हम जो है अब धीरे धीरे बात करते हैं, जैसे कि पावर सेक्टर के लिए आपको जानते हैं बजट में पावर सेक्टर को डेवलप करने के लिए बजट निकाला गया है और ये कंपनी जो है
हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर, ये सारा कुछ करती है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे कि आप जानते हैं बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मेन फोकस दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो ये कंपनी हाईवे, रोड, ब्रिज, रेलवे, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, पोर्ट्स, हब, तो ये सारी जो है कुछ ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्ट करती है। तो अगर हम बिजनेस मॉडल जो है इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रो करेगा, तो बहुत बेस्ट टाइम है ये आपके लिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। क्योंकि जैसे कि अब जो आप जानते हैं मार्केट खुल गया है, कोविड के केसेस कम हो गए, हर जगह मार्केट खुल गया, तो धीरे धीरे जो वर्क है वो काम होने लगा है, धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन जो है चालू हो गए हैं। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो आप जान सकते हैं कि इसमें जो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, और काफ़ी ज़्यादा ये जो कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर, इनके लिए जो काफ़ी ज़्यादा बजट निकाला गया है डेवलपमेंट के लिए। तो और आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं पैसा, हम जो है उसके बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, यानी कि जो शेयर का प्राइस होता है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है उसके बिज़नेस से। अगर किसी कंपनी का बिज़नेस अच्छा है, ग्रो कर रहा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है, सिंपल सी बात है कि उसका जो शेयर प्राइस है वो भी उतना ही तेज़ी से ग्रो करेगा। तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि किसी कंपनी का बिज़नेस मॉडल कैसा है, और इस कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं आपको सजेस्ट तो यही करूँगा कि आप जो इन्वेस्ट करें, और जो आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च कर लें, क्योंकि मेरा काम है किसी कंपनी के शेयर को एनालाइज करना और बताना। क्योंकि जो बात का जो लास्ट डिसीजन होता है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इस शेयर में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को। आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। तो भाइयों और बहनों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और मेरी वीडियो को देखते रहें।